क्षमा दे दीजिए, हम आपकी का इंतजार कर रहे हैं। सुनकर अच्छा लगता है आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहती है यार? आप अशोक उज्जैनी के बादशाह, आपके पास तो इतना भी वक्त नहीं कि समझ सके। देवी नाम की कोई औरत जो दिन रात आती रात दिखती है, और वो इसकी बेचारी है कि उज्जैनी के बादशाह अशोक पर हुक्मरानी करती है। कहाँ गई थी आप? आज कार्तिक पूर्णिमा है, पूरे चांद की रात उसका जश्न मनाया जा रहा है, वहीं गई थी। कार्तिक पूर्णिमा? क्या बच्चे भी आपके साथ हैं? हाँ, बहुत से और भी बच्चे थे उनके साथ। आप उनकी फिक्र ना करें। क्या वो किसी की हिफाजत में तो है? एक दम हिफाजत में है, हिफाजती दस्ता उनके साथ है। आप बहुत फिक्र करते हैं। क्या करूं, एक सम्राट होने के साथ साथ एक बाप भी हूं। और हाँ, एक खुशी की खबर है। खुशी की खबर? क्या है खुशी की खबर? पाटलिपुत्र से महामंत्री लाला गुप्त का पत्र आया है। पत्र में लिखा है पिता महाराज बहुत बीमार थे, वेदों ने भी हाथ खड़े कर दिए, कहते हैं इस जानलेवा बीमारी की वजह से ज्यादा अच्छा जी नहीं पाए। क्या कहा? पिता महाराज बीमार है और आप कह रहे हैं कि ये खुशी की खबर? ना ना ना, नहीं, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। तो क्या है कहने का मतलब? हमारे कहने का मतलब ये था कि महामंत्री लाला गुप्त ने हमें पाटली पुत्र बुलाया है, वो चाहता है कि पिता महाराज के विजय की हम मगध सिंहासन पर बैठ सके। क्यों? मगध के सिंहासन पर तो पहला हक आपके भाई सुशील का है। सुशील? तुम जानती हो उसके बारे में? वो मगध का लड़ना जरूर है, मगर राजा बनने के लायक नहीं। ये आपसे किसने कहा? महामंत्री लाला गुप्त कहता है, वो शराब का रतिया है, संगीत का दिल दादा है और नाच गाने का शौकीन है, इसलिए राजा बनने के लायक नहीं। और महाराज? महाराज भी जानते। क्या ऐसा महाराज नहीं? नहीं 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 नहीं, महाराज ने हमसे कुछ नहीं कहा, वो जानते हैं अपने लाडले सचिन के साथ नाम। हो सकता है ये आपका ख्याल हो? नहीं, ये मेरा ख्याल नहीं। अगर ऐसा होता तो वो सचिन की जगह मुझे कांखार जाने से न पहुंचे। ये सिर्फ आप सोचते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। महाराज जानते हैं समुदार के लोगों को सिर्फ आप ही काबू कर सकते हैं। क्यों? वो उनका लाडला है, इसलिए उसे वहां भेज कर उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते, और मेरी जिंदगी की तो कोई अहमियत ही नहीं। नहीं, ये सिर्फ आप सोचते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। बस इस पर मैं कोई और बात नहीं करना चाहता, हम सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहते हैं कि हम पाटली पुत्र जा रहे हैं और तुम हमारे साथ चल रही हो, बस। और अगर मैं आपका ये ना मानूं तो? तुम्हें मानना पड़ेगा। बस देखो दीदी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारी ताकत हो, तुम हमारे साथ होगी तो चीज हमारी होगी। जी? अपने भाई का जी? क्या?
ये सुनकर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। मैं नहीं जाऊंगी। समझ लो, हम कभी नहीं चले जाएंगे पार्टी को। नहीं चाहिए तुम्हारा सर, नहीं चाहिए तुम्हारा सर, नहीं चाहिए तुम्हारा सर। अकेले ही चले जाएंगे हम।